हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं कैन लर्निंग फाइंड। ये हमारा वीडियो का पार्ट 83 है। ब्रिज कोर्स का सेकंड पेपर का ये वीडियो है। इसमें जो ब्रिज कोर्स का कोड है सेकंड पेपर का, वह है 522522। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहां रिवीजन करेंगे इनका फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिया गया है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, आंसर देखें। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले विकास को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक बताइए। किशोरावस्था में होने वाले विकास को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक यहाँ निम्नलिखित हैं, आंसर देखें। फर्स्ट, परिवर्तन की गति, ये भी प्रभावित करती है किशोरावस्था में होने वाले विकास को। परिवर्तन का अंतराल, और थर्ड है प्रशिक्षण में अनिरंतरता, यानी कि फिर से क्षण में निरंतरता नहीं होगी तो किशोरावस्था का विकास प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की कोई तीन प्रमुख विशेषताएं बताइए। किशोरावस्था की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या। ये तीनों किशोरावस्था की प्रमुख तीन विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की दो समस्याएं बताइए। किशोरावस्था की दो समस्याएं बतानी है। नंबर एक है शारीरिक विकास की अवस्था, नंबर दो विकास मानसिक विकास में जिज्ञासा। तो किशोरावस्था की दो समस्याएं हैं शारीरिक विकास की असमान्यता और मानसिक विकास में जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई चार सुझाव दीजिए। किशोरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चार सुझाव निम्न हैं। नंबर एक खेलकूद, नंबर दो वाद विवाद, नंबर तीन सरस्वती यात्रा, नंबर चार व्यवसाय चयन। ये आपके चारों जो सुझाव हैं वो किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण से क्या तात्पर्य है। संरक्षण से क्या तात्पर्य है, आंसर देखें। संरक्षण से यह तात्पर्य है कि कोई भी संख्या मात्र तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता या जाए। चाहे वस्तुओं के भंडार की स्थिति या स्थान बदलता रहे। तो संरक्षण का मतलब यहाँ फिर से एक बार समझिए, संरक्षण से तात्पर्य है कि कोई भी संख्या मात्र तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाता। चाहे वस्तुओं के भंडार की स्थिति या स्थान बदलता रहे। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, देखें आंसर। वस्तुओं की समानता एवं विभिन्नता के अनुसार समूहीकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। तो वस्तुओं की या तो समानता हो या विभिन्नता हो, इसके अनुसार वस्तुओं को अलग अलग बांटना या समूहीकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, श्रेणीकरण किसे कहते हैं, आंसर है एक समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता श्रेणीकरण कहलाती है। फिर से देखें, एक जैसी जो वस्तुएं हैं उनको एक निश्चित क्रम में लगाना या व्यवस्थित करने की जो योग्यता होती है उसे बोलते हैं श्रेणीकरण। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वातावरण से आप क्या समझते हैं, आंसर देखें। विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। समय व स्थान के अनुसार अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया में परस्पर क्रिया की अनुभूति होना
आवश्यक है। तो फिर से देखें, विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। समय व स्थान के अनुसार अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया में परस्पर क्रिया की अनुभूति होना आवश्यक है। उद्दीपित अधिगम वातावरण का सृजन एवं निर्माण प्रभावशाली कक्षा के संगठन के द्वारा, पारस्परिक क्रिया के द्वारा और पूरे विद्यालय के प्रदर्शन एवं खोजपूर्ण वातावरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख सिद्धांत संक्षेप में बताइए। मानव विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको संक्षेप में बताना है। आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मानव विकास है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है, सभी अवस्थाओं में पहले सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। तो बताया गया है कि सभी अवस्थाओं में पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, तत्पश्चात विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, यह विकास निश्चित दिशा में होता है। तो यह विकास है जो निश्चित दिशा में होता है। अगला पॉइंट है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है, विकास पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण की ओर होता है। विकास पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण की ओर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम मेन में से आपको एक दो जरूर मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको इसी तरीके के वीडियो आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।